खैर आज का प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, दो लिस्टिंग्स हैं टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस की, लेकिन एक आईपीओ खुल रहा है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का, 2600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है भाई, और फेयरफैक्स ग्रुप प्रेम वत्सा का वो बैक करता है इस कंपनी को। आस्था पैसा डालें क्या 277 के टॉप एंड पे? गुड मॉर्निंग आशीष, देखिए इस कंपनी की बात करें तो सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली लॉन्ग टर्म से लगाया जाए इसमें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम सब्सक्राइब करने की रेटिंग दे रहे हैं। लिस्टिंग गेन का मे और मे नॉट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब हम बात करें कंपनी का बेसिकली, तो ये डिजिटल फुल टाइम स्टैक इंश्योरेंस रहती है। तो डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनीज कौन होती है? बेसिकली ये कंपनीज वो कंपनीज होती है जो की कंट्रोल और लाइसेंस तो होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और ये टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं अपने ऑपरेशंस करने में, जिसमें कि सोर्सिंग होता है, अंडरराइटिंग होता है, क्लेम्स मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह की कंपनी है, तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके ये करते हैं। अब इनका मार्केट शेयर देखा जाए तो जो डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें इनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है, 82% ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की मैं बात कर रही हूँ, 82% के आसपास है। क्योंकि जो बाकी की दो कंपनीज हैं वो अनलिस्टेड हैं, जिसमें एक्को और नवी करके आते, तो ये कंपनी बढ़िया लगती है, लेकिन प्राइसिंग हमें ज्यादा लग रही है, और प्राइसिंग की वजह से ही सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो लिस्टिंग गेन के मन से ना लगाएं, लगाना है तो लंबी अवधि के लिए। आज से कई जगह आर्टिकल्स में विराट कोहली अनुष्का शर्मा बैग्ड, एक फंड रेजिंग हुई थी उसमें एक ने 2 करोड़ एक ने 50 लाख रुपए डाले थे, प्रेम व्हाट्सएप बैग्ड है, फेयरफैक्स बैग्ड है ऐसा कहना चाहिए, लेकिन चलिए लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब हो सकता है। लिस्टिंग के लिहाज से वैल्यूएशन थोड़े से डगमगाए हुए हैं। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप देखेंगे हमारे साथ पहला सौदा और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।